ओके चलो, तो आज ना फिर से मैं दिखाता हूँ आपको एक बार और कि एड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपको बना के दिखाया था, लेकिन आज फिर से बना के दिखाऊंगा कि कौन सी एड हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, और किस एड का क्या काम होता है। और एक एड कॉपी बना के दिखाएंगे एकदम जैसे लास्ट टाइम बताया था ना, वैसे ही बताऊंगा सेम एग्जाम्पल दे के, ताकि एक बार रिविजन हो जाए और सारी चीजें एकदम याद हो जाए, ठीक है। और बाकी अभी तक किसी को एक क्वेश्चन है? ओके, अभिषेक, इब्राहिम, इजहार, दीपक, भूपेश, किसी को एक क्वेश्चन? ओके, किसी को एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग से अपनी। और यार मेरा ना आज कैमरा थोड़ा सा सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, इस रीज़न से मैं ना अपने आप कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ अपनी। ओके चलो, सभी को दिख रही है ना? देखिए सबसे पहले ना हम ओपन कर लेते हैं अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब यहाँ पास हमको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पास आते हैं तो आपको कैंपेन दिखते हैं अपने सारे, ठीक है। आपने जो भी कैंपेन अभी तक बनाए होंगे, आपने जितना खर्च किया होगा, ठीक है, कितने लीड्स, क्या सारी चीज़ें आपको यहाँ पास दिख जाती हैं ये डैशबोर्ड में, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना कि डैशबोर्ड ओपन कैसे हो? मैंने डायरेक्ट डैशबोर्ड खोल दिया, लेकिन आप क्लियर है ना सभी को कि डैशबोर्ड कैसे पहुंचना, डैशबोर्ड डैशबोर्ड तक? दीपक, हाँ हाँ, क्लियर है, ठीक है, ओके चलो फिर से एक बार। ये देखो यहाँ जो क्रिएट का बटन दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से आप लोग अपनी ऐड बनाते हो, ठीक है, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखो यही चीज होती है, ये लोग ना कैंपेन कैंपेन कहते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करते रहते हैं अपना टूल। देखो लास्ट टाइम हमने ओपन किया था तो किसी और तरीके से दिख रहा था, आज हमें किसी और तरीके से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जैसे पहले था वैसे आज भी, बस चीज है ना थोड़ी सी इन्होंने दिखने में चेंज कर दी है, ठीक। अब अवेयरनेस देखते हैं, ठीक है, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में जैसे आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, आपने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने अपना ब्रांड अभी बनाया है, आपको अब अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो लोग हमारे बारे में जाने, ठीक है। वहां आप कुछ बेचना नहीं चाहते हो चीजों को, वहां बस आप ये चाह रहे हो कि लोग आपको जाने, जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा आपको लोग जाने समझें, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पास, देखो पहले से इन्होंने काफी सिंपल कर दिया है अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद आपको दिखा रहा है कि इन इन चीजों में आपको बनाना है, ठीक। रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी आपकी एड। फिर उसके बाद आता है ब्रांड अवेयरनेस, अंडरलाइन करता हूँ मैं, रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको एड पहुंचाएंगे, ब्रांड अवेयरनेस मतलब आपके ब्रांड के बारे में लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों को याद रहे। आपकी कोई वीडियो है, आप वीडियो बताना चाहते हैं तो वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस देनी है कि आपकी जैसे फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी फिजिकल स्टोर को जाने कि हाँ इस लोकेशन में ये दुकान मौजूद है, तो आप इस एड को यूज करेंगे अवेयरनेस को, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं। तो ट्रैफिक लिंक क्लिक, आपकी कोई लिंक है, आप चाहते हैं कि लोग उस लिंक के थ्रू आपके वेबसाइट पे आए, ठीक है, तो आप लिंक क्लिक करेंगे। लैंडिंग पेज व्यूज, आप चाहते हैं कि लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाएं, ठीक है। लैंडिंग पेज मतलब एक अलग तरह का पेज हम बनाते हैं जो सिर्फ सामान और सर्विसेज को सेल करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो वेबसाइट नहीं होती, वो लैंडिंग पेज होता है जहां पास आप लोगों को इनवाइट करते हैं और एक ही जगह पे सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लैंडिंग पेज हाँ कैसा होता है। हेलो हेलो हाँ हेलो
हाँ पूछ दीपक, रहा था कि हर हर अलग अलग बिजनेस तो कई तरह के होते हैं ना, तो हर टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग कैंपेन करना पड़ता है या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका ना मतलब मकसद बिजनेस के डिसाइड अकॉर्डिंग करता कैंपेन है। करना पड़ेगा नहीं, बिजनेस के अकॉर्डिंग कि नहीं किस होता तरह है। का बिजनेस है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। और मुझे क्या बिजनेस तो क्या लाखों करना प्रकार चाहिए। के हैं दीपक, समझो। बिजनेस तो लाखों प्रकार के हैं, लेकिन आपको ऐड यहाँ लाखों प्रकार के थोड़ी बनाने को देगा, ठीक है? लेकिन बिजनेस की जरूरतें सिर्फ कुछ होती हैं। जैसे भले लाखों प्रकार के बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस अपनी प्रोडक्ट सर्विस या प्रोडक्ट सर्विस या ब्रांड इनको प्रमोट करना चाहता है, प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता है, अपने कोर्सेज सेल करना चाहता है, लोग अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहते हैं, अपनी वीडियोस दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। मेन चीज़ तो यही हो गई ना। अगर आप अपनी सर्विस सेल करना चाहते हो, तो कोई भी बिजनेस हो वो सर्विस देगा, प्रोडक्ट देगा, यही चीज़ें तो देगा। इस हिसाब से ऐसे समझो, अगर तुम सोचोगे कि सभी ब्रांड का अलग अलग होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सभी बिजनेसेस अलग अलग होते हैं ना, बिजनेस सभी अलग अलग हैं, लेकिन जो उनकी मेन चीज़ है, जो डिमांड है, वो तो ये होगी, या तो उनको ढेर सारे लोग जाने, उनकी वेबसाइट में ढेर सारे लोग आए, ढेर सारे लोगों तक वो पहुंचे, ठीक है, ढेर सारे लोगों का उन्हें कॉन्टैक्ट मिले, वो सेल कर पाए। यही 5-6 चीज़ें ही तो उनकी नीड होगी, जरूरत तो उनकी यही 5-6 चीज़ें होंगी ना। क्यों दीपक, आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक है, अब उसमें तो थोड़ी जैसे, कैंपेन है अलग हाँ, अलग है ना। यस यस यस, अब देखो, अमेजोन प्रोडक्ट बेच रहा है, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बेच रहा है, हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, कोई और कंपनी होगी सर्विसेज सेल कर रही होगी, ठीक है, कोई ब्रांड होगा जो अवेयरनेस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जाने, ठीक। लेकिन चाहिए क्या? अवेयरनेस, परचेज, कंसिडरेशन, तीन ही चीज़ तो चाहिए। आपको पढ़ाया था ना मैंने शुरू में कि डिजिटल मार्केटिंग के चार फेज होते हैं, अवेयरनेस, हाँ, कंसिडरेशन, बताया था परचेज, लॉयल्टी, ठीक है? लॉयल्टी। हाँ तो लॉयल्टी। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हो, कभी भी वो उन चार फेज के आगे नहीं जा पाता, ठीक है? यहां देखो, पहले हम अवेयरनेस फेज पे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर उसे कोई भी नहीं जानता, तो वो अवेयरनेस कैंपेन ही चलाएगा, वो कुछ भी बेचे, कुछ भी सेल करे, कोई भी सर्विस दे दे, ठीक। अब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी हो, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे आए, तो ट्रैफिक, ठीक है? आई गेस कोई डाउट नहीं होगा अभी, हाँ, ठीक समझ है? में आ गया। ओके, ठीक है, तो अवेयरनेस आपको बता दिया, अब हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे, ठीक है? कोई एक लिंक है, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उस लिंक पे क्लिक करके आए, तो अब लिंक क्लिक चाहिए, यहाँ मकसद है, एम है आपका, लिंक क्लिक, ठीक। लैंडिंग पेज, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज पे आए, एक पर्टिकुलर पेज पे, सिर्फ और सिर्फ उसी पेज पे आए, इस पे आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करें, ये ऐड है। आप चाहते हैं लोग आपको कॉल करें, तो ट्रैफिक चलाइए, ठीक है? अब हम देखते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब आपकी कोई वीडियो है, पोस्ट है जो आपने कर लिए फेसबुक पे, आप चाहते हैं कि लोग उसके थ्रू मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम से सीधा मेरे पास आ जाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम में आ जाएं। आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखें, मेरी पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज करें, ठीक है, मुझे वहाँ से कन्वर्जन मिले, ठीक है, तब आप एंगेजमेंट चलाएंगे। अब हम लीड देखते हैं। लीड मतलब आपको उन डिटेल्स चाहिए जिनसे आपको बिजनेस है, जैसे इंस्टेंट फॉर्म, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, हमारे जो ऐड चलती हैं उन पे फॉर्म भरते हैं लोग, ठीक है, उनसे हमें उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मिलता है, ठीक है, और फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं सामने से। तो हमने ये वाली ऐड भी चलाई हुई है, एक ये वाली, ठीक। लोग आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज पे कॉन्टैक्ट करें फॉर सर्विसेज, ये करिए, कन्वर्जन सीधा बिजनेस मिलने का, या तो कॉल्स, ठीक, क्योंकि लीड आपको इन फोर फेजेस पे भी मिल सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐप प्रमोशन, ठीक है, आपका कोई चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐप इवेंट्स पे आए, ठीक है, तो आप ये वाली ऐड चलाएंगे, ठीक है। अब ये है डायरेक्ट सेल्स की ऐड, इसमें क्या है, आप चाहते हैं कि सीधा कन्वर्जन मिले मुझे, मेरा प्रोडक्ट बिके, ठीक है, आप ये ऐड चलाएंगे। आप चाहते हैं कि फेसबुक के थ्रू मेरा प्रोडक्ट बिके, तो आप ये ऐड चलाएंगे। आप चाहते हैं कि मैसेंजर व्हाट्सएप के थ्रू मेरा प्रोडक्ट बिके, तो आप ये चलाएं, ठीक है। देखो ये ना सिर्फ लेआउट जो है, ये हमने एक हफ्ते पहले कुछ और देखा था, पिछले हफ्ते, है ना, और आज हम किसी और डिज़ाइन से देख रहे हैं, लेकिन चीज़ें सेम हैं। ये अगर डिज़ाइन चेंज हुआ है तो अंदर की चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। आज भी एल्गोरिदम, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वो पहले जैसा ही काम करेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी भी, ठीक। चलो तो अब एक काम करते हैं, एक ऐड बना के देखते हैं, ठीक है, ट्रैफिक वाली ऐड चलाते हैं, ठीक, कंटिन्यू कर लो, ये सब हम बाद में फिल करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कैंपेन बनाते हैं ना कोई एक बढ़िया सा। हमारा कैंपेन हमने क्या लिया था, वेबसाइट ट्रैफिक, मतलब दोस्तों हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आए, तो हम क्या करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन चलाया है हमने, ठीक है, तो हम इस पर कोई नाम दे देंगे जो हमें याद रहे हमेशा, हमेशा मतलब जब तक आप कैंपेन चला रहे हैं तब तक तो याद रहे, ठीक है। हम चलाते हैं वेबसाइट ट्रैफिक, मैं इस पर डेमो लिख देता हूँ। मैंने डेमो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक्चुअली रन तो करूँगा नहीं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, और डेमो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेबसाइट के और भी कैंपेन चल रहे हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ, ठीक है, इसीलिए हम कैंपेन को नाम देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ ये पूछ रहा है कि कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, क्रेडिट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, हाउसिंग नहीं, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट पे है। कैंपेन डिटेल्स ऑक्शनेबल, ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, करेक्ट, नेक्स्ट कर दो। ये एबी टेस्टिंग का एक ऑप्शन था ना, वो एडवांस है, पहले ये बताएंगे फिर उसको बताएंगे उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास भी कोई एड सेट का नाम देखो चाहो तो, डेमो वन लिख दो। अब देखो कन्वर्जन आपके हिसाब से, अगर कन्वर्जन क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक, आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। ऐप पे चाहिए, ऐप पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन यहाँ पास आपको ऐप अपनी चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें वेबसाइट पे चाहिए, डन। हमारा मंथली क्या होगा, डेली बजट, ये देखो लाइफ टाइम बजट में आपने लाइफ टाइम लगा दिया, आपने यहाँ डाल दिया अपना बजट। अब ये बजट ये अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा फेसबुक, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से यूज करेगा बजट को, वो दिन में कभी 100 रुपये लगाएगा, कभी दिन का 1,000 लगा देगा, 5,000 लगा देगा, ठीक है, वो ऐसे करेगा। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, डेली बजट, हम चाहते हैं कि फेसबुक सिर्फ दिन में, एक दिन में फेसबुक हमारा सिर्फ 1,000 रुपये इस्तेमाल कर पाए, ठीक। अब कब कैंपेन चालू करना चाहते हैं, चलो हम 22 तारीख, कल, कल कितने बजे, कल हम चाहते हैं कि, ओके पहले डेट डालते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं 08, 8 बज के, एग्जैक्ट 8 बजे सुबह चालू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा कैंपेन कब खत्म हो, हम 31st को खत्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चलता रहे कैंपेन, मैं बंद नहीं करना चाहता अभी, है ना, कोई फिक्स डेट नहीं है मेरे पास, मैं जब चाहूंगा बंद कर दूंगा, तो आप इसका टिक हटा लीजिए, अब कोई एंड डेट नहीं, जब आप चाहेंगे तब बंद होगा, ठीक है। हम डेट डिसाइड कर लेते हैं, हमने सितंबर डाल दिया, ठीक है, 00 है, मतलब रात को 12 बजे एग्जैक्ट बंद हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आपको समझने के लिए, सबसे ज्यादा समझने की बात है, वो ये है कि अभी आप देखो हमारी ऑडियंस कितनी है, इतनी सारी ऑडियंस है हमारी, ठीक है, दिख रहा है आपको कितनी ज्यादा ऑडियंस है, देखते हैं कितनी, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, मिलियंस में ऑडियंस, ठीक है, करोड़ों ऑडियंस है, करोड़ों लोग दिखा रहा है, लेकिन हमें करोड़ों लोगों से क्या मतलब, जबकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, अपनी सिंपल सी बात है ना। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देता हूँ, तो मैं
अपनी, मैं चाहता हूं कि मेरी एड उसको दिखे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है, ठीक है, उसी को एड दिखे। लेकिन अगर वो एड दिख रही है किसी डॉक्टर को, ठीक है, किसी डॉक्टर को एड दिख रही है, तो वो क्या करेगा मेरी एड देख के? कुछ नहीं करेगा। तो मेरा वहां, अगर आप देखोगे तो मेरा वहां पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, मेरा पैसा वहां वेस्ट हो रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को ऐड नहीं दिखाना है जिनका हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन है ही नहीं। चलो लास्ट टाइम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेम रेस्टोरेंट वाला, ठीक है। तो मेरा एक रेस्टोरेंट है, सपोज, लेट्स सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं चाहता हूँ, ऑनलाइन रेस्टोरेंट नहीं है, क्लाउड किचन नहीं है, फिजिकल रेस्टोरेंट है, ठीक है, प्रॉपर, और मैं चाहता हूँ कि वहां लोग आए, मेरा ऐड दिखे उन लोगों को जो मेरे रेस्टोरेंट पे आ सके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोकेशन लगाएंगे, सबसे पहले हमें फेसबुक को बताना होगा कि हमारा रेस्टोरेंट कहाँ है, ठीक है। तो जब आपको बताना होता है ना, तो आप लगाते हैं पिन, ड्रॉप पिन। तो ड्रॉप पिन से क्या होता है कि उसको पता चलता है कि आपका रेस्टोरेंट है कहाँ। जैसे मैं पिन यहाँ पास क्लिक कर दिया, मैंने देखो फेसबुक को पता चल गया कि इस लोकेशन पे मेरा रेस्टोरेंट है और उसके 16 किलोमीटर के रेडियस पे वो ऐड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 16 है। लेकिन यार मेरे रेस्टोरेंट पे 16 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति क्यों आएगा, ठीक। तो मैं इसको 5 कर दूंगा क्योंकि 5 किलोमीटर से लोग आ सकते हैं, सिंपल। ये देखो मैंने 5 किलोमीटर किया तो उसने 5 किलोमीटर का रेडियस ले लिया, ठीक है। अब देखो कहाँ क्रोर्स में था, कहाँ हम लैक्स में आ गए हैं, 34 लाख और 40 लाख के बीच में ऑडियंस आ गई। देख रहे हो, हमारी करोड़ों में थी ऑडियंस और हमारी अब लाखों में ऑडियंस है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी ऐड ना, हमारे रेस्टोरेंट पे लोग तभी आएंगे जब वो लोग वहां रहते होंगे। अगर वो व्यक्ति वहां रह रहा है तभी वो रेस्टोरेंट में आएगा, ठीक है। देखो ये ना स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है, मैं ये चीजें पढ़ाने के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूं, ठीक है। तो लोकेशन पे एक ऑप्शन है यहाँ पास, पीपल लिव इन दिस लोकेशन, जो लोग इस लोकेशन पे रहते हैं सिर्फ उनको मेरी ऐड दिखे, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ऑडियंस हमारी और कम हो गई, अब हमारी धीरे धीरे ना काम की ऑडियंस निकल रही है, जिनसे हमें काम है, ठीक है। तो 31 लाख से 37 लाख के बीच में आ गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो हम चाहते हैं यंगस्टर्स लोग ज्यादा आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, तो अगर यंगस्टर्स को, जो नौजवान लोग हैं, यंग पीपल हैं, उनको हमारी ऐड दिखेगी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे, एज लगा देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन, एज, हमारी ऑडियंस की एज हमें क्या रखनी है, 18 ईयर्स से लेके हम चाहते हैं 35, ठीक है, 35 ईयर्स तक के लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए। अब आप ये देखो 21 लाख से 24 लाख तक पहुंच गए, ठीक। जेंडर, ठीक है, सभी को आए, ऑल जेंडर्स आर अवेलेबल, ओके। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में वैसे लोग आए जो ज्यादा खर्च कर सकते हो, क्यों, हमारा रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, ठीक है। चाय भी हमारे रेस्टोरेंट में मोर देन 500 और 1000 की मिल रही है, तो हम चाहते हैं हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे लोग आए जो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जो ज्यादा खर्च करने की इच्छा रखते हो, ठीक है। अब देखो मेरा महंगा रेस्टोरेंट है और मेरा ऐड उन लोगों को भी दिख रहा है जो मेरे रेस्टोरेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते मेरा रेस्टोरेंट, तो वहां भी मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एक बिजनेस माइंडसेट की तरह सोचना है कि आपको बिजनेस लाना है, बिजनेस चाहिए, ठीक है, तो ऐड में आपका पैसा लगता है, तो आप पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो जो रेस्टोरेंट में आए जो ज्यादा परचेजिंग पावर रखते हो, ज्यादा खरीद सकें, ठीक है। तो हमें डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर लगाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी ये होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रेस्टोरेंट में, ठीक है,
कौन ज्यादा खर्च कर सकता है बताओ। मैंने एक बार तुम लोगों को बताई है लास्ट क्लासेस में, कैसे पता करोगे, क्या फॉलो करेंगे हम, क्या स्ट्रैटेजी? जो महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हो, आईफोन वगैरह, जो महंगे महंगे चीजों को यूज करते हो, ओके, उसमें एकदम करेक्ट। कितनी खर्च ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दीपक, है ना? और कोई और कुछ और ऑप्शन देना चाहता है? ठीक है ठीक है, एकदम सही, याद है यार तुम लोग को सारा चीजें जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन। ठीक है, तो जिन लोगों के पास महंगा फोन इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, जैसे आईफोन है, वो जरूर मेरा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा आईफोन। ठीक है ठीक है, मैंने जैसे यहाँ आईफोन लिखा तो यहाँ दो चीजें आ रही हैं। देखो ध्यान से देखना, आईफोन यहाँ लिखा है साइड में इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्टेड वाले नहीं चाहिए। अब इंटरेस्ट तो मेरा भी उसमें है, जैसे अब मेरा इंटरेस्ट मान लो जेट प्लेन में है, तो नहीं है ना मेरे पास जेट प्लेन, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मुझसे है नहीं, समझ रहे हो डिफरेंस है। अब लोगों का आईफोन में इंटरेस्ट है, एप्पल में इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास है तो नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो खरीद नहीं सकते होंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो हमें देखना है बिहेवियर। आप बिहेवियर देखेंगे, यहाँ लिखा है ओन, ओन मतलब जिनके पास वो है, आईफोन है जिनके पास, ओन आईफोन 7। ठीक है, फिर से लिखेंगे आई आईफोन। ठीक है, यहां हम देखेंगे ओन आईफोन SE, फिर से आईफोन ओन 6 प्लस। ठीक है, और लिखते हैं और आईफोन देखते हैं ओन 6S। ठीक है, और देखते हैं, ऐसे सारे मॉडल लगा दीजिए क्योंकि आईफोन तो सभी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अब देखो जहां हमारी करोड़ों में ऑडियंस थी, फिर लाखों में आई, फिर 20 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है, अब आप यहां ध्यान दो कि भाई आपकी ऑडियंस सिर्फ 9,900 से लेके 11,700 ऑडियंस बची, और ये वो ऑडियंस है जिनको एड दिखेगी तो आपको बिजनेस आएगा। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको एड दिखेगी तो आपसे सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ती है आपकी एड्स, ठीक, कि काम होगा कैसे। ठीक है, अब आप एक चीज और है कि लैंग्वेज, अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, ठीक है, और आपका जो मान लीजिए वैसे ही रेस्टोरेंट लेता है, आपका रेस्टोरेंट जो है मराठी कल्चर फॉलो करता है, आप चाहते हैं कि प्योर मराठी हो। ठीक है, क्योंकि भाई आपका रेस्टोरेंट तो बॉम्बे में है आप, ठीक है, तो आप यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो मराठी। आपने मराठी क्लिक किया, ये लीजिए ऑडियंस आपकी और कम हो गई, मतलब ये आपकी प्रॉपर सिलेक्टेड ऑडियंस है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, भाई रेस्टोरेंट है, कोई भी भाषा बोले आ सकता है, तो लो भाई हमने हटा दी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोले। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी ऑडियंस बनानी होती है, और आप इस ऑडियंस को बार बार इस्तेमाल कर सकें तो आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम यहाँ जाएंगे ये ऑडियंस, और यहाँ बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पास ऑप्शन है, जैसे ये वाली, मैंने ये वाली एक ऑडियंस बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं इसको यू क्लिक करता हूँ और मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पास एक और चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पास जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये है प्लेसमेंट ऑप्शन। प्लेसमेंट मतलब आपकी एड आप कौन कौन सी किस किस जगह में दिखाना चाहते हैं। ठीक, जो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है विच इज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स रिकमेंडेशन, मतलब फेसबुक अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आपकी एड की प्लेसेस डिसाइड करेगा, और मैनुअल में आप खुद कर सकते हो। देखो
आप जो एड है, ठीक है, वो आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, किसी का ना कॉल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बीच में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम मैसेंजर पर ऐड जाएगा फेसबुक के थ्रू, तो पेज भी तो सेम होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे अभी अलग रहेगा, तक अलग पेज रहेगा तो नहीं जाएगा वो। ऑब्वियसली नहीं जाएगा, अरे पेज कैसे जाएगा, आपने अपना पेज बनाया होगा ना, जब आप एड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपना फेसबुक फेसबुक पर पेज तो बनाया होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली पेज सेट होगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक होता है। इंस्टाग्राम पे भी वो चला जाता है। हाँ, आपका फेसबुक पेज जो होता है वो आपके इंस्टाग्राम से लिंक होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आप लिंक कर लेते हैं, ठीक है, जब आप एड बनाते हैं वो तो ऑटोमेटिकली पूरा, देखिए पहले अलग अलग था लेकिन आज मेटा हो गया है, ठीक है, मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों चीजें लिंक हैं आपस में, ठीक है, पहले हम अलग अलग करते थे, अब हमें अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं होती, जब से फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीदा है, व्हाट्सएप को भी खरीदा है, ठीक है, उसके बाद से चीजें बहुत इजी हो गई हैं। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस, और आपको व्हाट्सएप पे ही चलेगी, व्हाट्सएप पे ट्रैफिक का ऐड चला रहे हैं अभी हम, देखो हम अभी वेबसाइट ट्रैफिक चला रहे हैं ना, इसलिए हमें व्हाट्सएप के ऑप्शन नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को कि हमारे वेबसाइट पे आए, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है, ठीक है दीपक, कोई कंफ्यूजन? ओके दीपक, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो पूछो। ओके नहीं आ रहा, सुन आ रहा ठीक आ गया। वही था कि मतलब लिंक कैसे है, अलग अलग ठीक करना है, पड़ेगा क्या इसके लिए, नहीं, अलग अलग नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो बीच में एक वीडियो देखा था ना, तो उसमें लिखा था कि इंस्टाग्राम ऐड रन के बारे में अलग से बता रहा था और फेसबुक का अलग है, इसीलिए मैं पूछा। अब यार वीडियो देखो, वीडियो में वीडियो में तो सब कुछ है, लेकिन आप वहां बीच से पढ़ने लगते हो ना, बीच में से, मैं आपको एकदम शुरू से एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो हाँ, दस इसलिए स्टेप मैं हैं, कंफ्यूज हो दस गया। स्टेप हैं, आप बीच में से आठवां स्टेप उठा के पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 1 2 3 4 5 6 7 तो पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ भी अपन एकदम डेमो, एकदम बेसिक से हाँ शुरुआत करिए, ओके, ठीक है, अभी एडवांस बताऊंगा ना, इसमें ऐड में भी एडवांस होता है, अभी आपको एक ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं है, ए बी टेस्टिंग वाला, ठीक है, बताएंगे, सब बताएंगे, वेट एंड वॉच दोस्तों, ठीक है, तो चलो ये हो गया, अब प्लेसमेंट की बारी, आप चाहते हो कि फेसबुक फीड में दिखे, ठीक है, इंस्टाग्राम में दिखे, ठीक है, मैं चाहता हूँ मार्केट प्लेस में ना दिखे, नहीं दिखेगा, वीडियो में दिखे, ठीक है, राइट कॉलम में भी दिखे, ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, ठीक है, इंस्टाग्राम शॉप में मैं नहीं चाहता दिखे, मैसेंजर के इनबॉक्स में नहीं चाहता, ग्रुप्स में मैं नहीं चाहता, स्टोरीज में दिखे, ठीक है, लाइक रील्स एंड स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक मैसेंजर में नहीं चाहता दिखे, इनस्ट्रीम में नहीं चाहता दिखे, लूप नहीं, सर्च में दिखे, ठीक है, ये देखो इस तरह से ना मैंने बना ली है अपनी सारी चीजें, ठीक है, और आप देखो आपको यहाँ क्लिक्स भी दिखाता रहेगा, ठीक है, आपकी रीच कितनी है, आपने 1,000 रुपये लगाए हैं तो आपकी ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगी, आपकी जो आपका ऐड है उसमें कितने लोग क्लिक करेंगे, सब दिखाता है एस्टिमेशन, ठीक है, तो हम इस तरीके से ना काम चलाते हैं, काम क्या चलाने का क्या मतलब है कि अपना ऐड स्टार्ट करते हैं चलाना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये होता है, ये एडवांटेज,
क्यों? क्योंकि फेसबुक ना सभी में ऐड चलाता है, जितने आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे थे ना यहाँ पर, जितने फेसबुक सभी में ऐड चलाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हमारी ऐड की परफॉर्मेंस हमें कहाँ से अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो फिर वहां हमारी वो इंक्रीज कर देता है। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को मैं, ठीक है, एक मिनट इसको एडवांस कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये देखो हम बजट की बात कर रहे थे ना, ये देखो एक ये ऑप्शन आता है, आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट में क्लिक, मेरी एड में लोग क्लिक करें और मेरी वेबसाइट में आ जाएं, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो क्लिक का पैसा है, एक क्लिक का पैसा आप 20 रुपए से ज्यादा नहीं दोगे, तो आप यहाँ 20 लिख दो। लिख दिया आपने 20, ठीक है। जब मैं 20 लिखा तो अब देखो यहाँ पास भी ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, यहाँ पास आप ध्यान से देखो क्या दिखा रहा है आपको। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, द कॉस्ट कैप, मतलब जो आपने ये कॉस्ट लिखी है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पास फेसबुक आपको कुछ भी बता नहीं रहा है, रीच दिखा रहा है लेकिन लिंक क्लिक क्लिक कितने पड़ेंगे वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसको बढ़ाइए, इसको हम 50 करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। 50 किया तो 20 से 57 दिखा रहा है, इसको हम 100 करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब फेसबुक अपना मैक्सिमम दिखा दिया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि फेसबुक स्मार्ट है, वो डिसाइड कर लेगा कि कितना क्या कैसा, ठीक है। हम ये की चीज़ें फेसबुक पे छोड़ देते हैं, लेकिन कभी आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा, अच्छे से नहीं चल रहा, तो आप यहाँ कैप लगा दीजिए, मतलब एक क्लिक की कीमत 50 रुपये पड़ेगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं, अगर इससे ज़्यादा होगी तो मेरी ऐड वहाँ दिखेगी ही नहीं, ठीक। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट करो, ठीक है, आपने नेक्स्ट किया। अब देखो यहाँ पास ऐड का कोई नेम दे दो, ठीक है, जो मर्जी आपकी। अब देखो दीपक, जो तुम पूछ रहे थे कि फेसबुक पेज, यहाँ पास आपसे बोल रहा है फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। इस पेज से लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी थी, हमने वो भी सेलेक्ट कर ली बस, ठीक है। हाँ इस तरीके देखो, तुमने पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पूछ लिया था ये, बल्कि ये तीसरे स्टेप में था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ आएगा आगे, ठीक है, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपना पेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एड सेटअप में आपका जो डिजाइन है, आप कैटलॉग लगाना चाहते हैं कि नहीं? कैटलॉग तब लगाएंगे जब हम पास प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अभी हम चाहते हैं वेबसाइट में लोग आए, तो हम फोटो लगाएंगे, मैनुअल फोटो, जिस फोटो में क्लिक करके लोग वेबसाइट में आ जाएं। फॉर्मेट क्या होगा हमारी फोटो का? सिंगल इमेज या वीडियो, ठीक है, जो हम अपलोड करेंगे वो इमेज होगी या वीडियो, सिंगल। अगर आप एक से ज्यादा इमेज यूज करना चाहते हैं तो कैरोसेल, ठीक है। अगर आप और ज्यादा इमेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, पूरा कलेक्शन, तो आप थर्ड इमेज में जाइए, थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल इमेज लगानी है, यहाँ से आप अब यहाँ बस आपकी इमेज लगेंगी, इमेज लगाने के लिए इधर, वीडियो लगाने के लिए यहाँ, इमेज लगाएंगे, क्लिक करते हैं इमेज। ओके, मेरे पास पहले से ही इमेजेस पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है, मेरे पास पहले से है, तो मैं ये वाली लगा देता हूँ। कौन से लगाते हैं, कोई सिंपल सी इमेज लगाते हैं, ये लगा देते हैं, चलो ये वाली, नेक्स्ट, ठीक है। अब आपने जो इमेज लगाई है, फेसबुक आपको दिखा रहा है कि कौन सी इमेज आपके कौन से प्लेटफॉर्म में किस एडवर्टाइजमेंट में कैसे दिखेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, नेक्स्ट कर लीजिए और फिर डन कर दीजिए, अलाउ एनहेंसमेंट करके डन कर दीजिए। फेसबुक अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हाल फेर फेर कर लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपकी एड किस प्लेटफॉर्म में कैसी दिखता है, आप देख सकते हैं, जैसे फेसबुक में ऐसी दिखेगी, ठीक है, इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी दिखेगी, इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसी दिखेगी आपकी एड, ठीक है, ये क्या है, फेसबुक रील्स में ऐसी दिखेगी, मैसेंजर स्टोरीज में कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, लोड हो रहा है,
ओवरलोड हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पास ना सारी चीज़ें वो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, अब मैसेंजर के इनबॉक्स में आपकी ऐड कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो इन सभी तरीके से आप करते हैं चीज़ों को। देखो टेक्स्ट आपका क्या होगा, प्राइमरी टेक्स्ट पहले हम कोई बड़ा सा ले लेते हैं। ओके फेसबुक फीड, ठीक है, यहाँ क्या होता है चीज़ें दिखेंगी। आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मेरे को दिखा रहा है, मैं उसी को ऐड कर देता हूँ। मेरा प्राइमरी टेक्स्ट ये होगा, प्राइमरी टेक्स्ट मतलब ये जो आपको ऊपर दिखा रहा है ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। हेडलाइन क्या होगी, मैं यहाँ पास लिखता हूँ हेडलाइन ताकि आपको देखने में इजी रहे। ये रही हेडलाइन लिखी मैंने यहाँ पास, यहाँ आपकी हेडलाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पास आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो आप चाहें, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि ये कहाँ आया है डिस्क्रिप्शन। ये देखिए फर्स्ट बैच स्टार्ट, ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पास, ठीक है। तो ये आपसे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। अब आप चाहते हैं कि आपकी बटन जो होगी उसमें क्या लिखा होगा, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, क्या होगा आपकी बटन। मैं कहता हूँ मेरी बटन में होगा लर्न मोर, ठीक। ये देखिए यहाँ आपकी बटन है लर्न मोर आ गया यहाँ पास, ठीक है। यहाँ के सारे ऑप्शन खत्म। और ये जो बटन्स होती है ना इनको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, GMCW। मैं क्या करूँगा, यूआरएल डाल दिया मैंने, ठीक। तो अब फेसबुक को पता चल गया कि एड में जो एड दिखाऊंगा उसका यूआरएल कहाँ जाएगा, ठीक है, कौन सी वेबसाइट में जाएंगे लोग, जिस वेबसाइट में आपको आप चाहते हैं कि लोग जाएं, तो आप यहाँ पास उससे कर दीजिए, ठीक है। या इन दोनों की जरूरत नहीं क्योंकि आप वेबसाइट में भेजना है, कोई कॉल नहीं चाहिए आपको, इवेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी जरूरतों के ऊपर आप सारा चीज लगाते चले जाइए, लेकिन सब कुछ मत लगा दीजिए कि ऐड खराब हो जाए। अब आपने वेबसाइट में भी लोग को लेके जाना लेकिन कॉल लगा दिया, तो अब फेसबुक कंफ्यूज हो जाएगा कि वेबसाइट पे भेजूं कि कॉल के लिए भेजूं, ठीक है। चलो तो यहां हमने हो गया सारी चीजें, अब हमारा एक लास्ट काम बचा है पब्लिश करना, इसको पब्लिश कर दीजिए। ये जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो फेसबुक क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू मतलब फेसबुक आपने जो एड बनाई है फेसबुक उसको चेक करेगा और देखेगा कि आपने सारी चीजें सही से लिखी हैं कि नहीं, आपका क्रिएटिव, आपने जो डिजाइन अपलोड किया है वो सही है कि नहीं, आपने कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया जो फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो चेक करेगा सारी चीजों को, और अगर सब सही होगा तो वो आपकी एड को पब्लिश कर देगा, और जब पब्लिश होगी तो आपकी एड एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव मतलब ये ऑप्शन आपकी ऐड में दिख जाएगा, ठीक है। ओके तो आज मैंने आपको एकदम डिटेल्ड में ऐड चलाना सिखा दिया है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना इनको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सारे ऑप्शन वही हैं, बस थोड़ा सा ना विजुअल चेंज हो गया है, दिखने का देखने का तरीका चेंज हो गया है, बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों कोई कंफ्यूजन कुछ भी, जमशेद, इजहार, अभिषेक, दीपक, भूपेश, तुम भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन। ओके ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर क्लियर क्लियर। ओके चलो अब मैं तुम लोग को एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि होता क्या है, कई होता है कई कई सारी चीजें होती हैं फेसबुक में। अभी मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं यूज करते बताया, एबी टेस्टिंग वाला, ठीक है। देखो मैं आपको अपनी एक रियल एड दिखाता हूँ जो मैं चलाता हूँ अभी, जो मेरी एड चलती है, ठीक है। मेरी एड चलती है क्रिएटिव वन, ठीक।
ये रियल एड है, ठीक है। इस एड के थ्रू मुझे लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल मिलते हैं, इंक्वायरी मिलती है, जिससे मैं उनको कॉल करता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने क्लिक टिक कर दिया। कैंपेन चेक करते, कैंपेन लेवल पे इस पर मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ओके। अगर एक चीज़ और है, ये कैंपेन तो मैंने आपको सीखने के लिए बनाया था, वेबसाइट डेमो, इसको डिलीट कैसे करेंगे, टिक कर दीजिए। ये ऊपर आपके ऑप्शन आ जाते हैं, डिलीट का ऑप्शन है, इस पर डिलीट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कैंपेन एक बार डिलीट हो गया तो आप कभी इस कैंपेन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। डिलीट करने के पहले ध्यान दीजिएगा, इस पर टिक लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कैंपेन बनाया है DMCW न्यू स्टूडेंट्स, ठीक। फिर उसके बाद मैंने न्यू स्टूडेंट दिसंबर, इस दिन मैंने अपना ऐड बनाया था, अब देखो AB टेस्टिंग क्या होती है। ये मैंने दो कैंपेन बनाई थी, मतलब एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट, और एड सेट के अंदर दो एड एड्स, ठीक। इस एड में आप देखेंगे, मैं लाइफ टाइम लगा देता हूँ यहाँ पास, ठीक है, मैक्सिमम आज तक जितना भी, तो आप यहाँ पास देखोगे, ये दोनों कैंपेन मैंने साथ में चलाए थे, ठीक है। और रिजल्ट देखो, मेरे इस कैंपेन से मुझे इतना रिजल्ट आया है, इस कैंपेन से मुझे इतना रिजल्ट आया है, ठीक है। सारी चीजें सेम है, ठीक है। इन दोनों कैंपेन्स में ना कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डिजाइन का फर्क है, सिर्फ डिजाइन का। सभी चीजें जो अंदर होती है ना कैंपेन सेट करते समय, ऑडियंस इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या क्या लिखना है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, सारी चीजें सेम है, लेकिन सिर्फ ना डिजाइन का फर्क है, ठीक है। तो मैंने ये दो चीजें चलाई, तो और हुआ क्या कि ये जो डिजाइन था, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, मैंने और बड़ा कर दिया ये लो, ठीक है। तो जो ये वाला डिजाइन था, ये मैंने दोनों चलाए थे, दो डिजाइन लगाए थे मैंने, ठीक है। तो हुआ क्या है दोस्तों, कि मेरा ये वाला डिजाइन काम ही नहीं किया, मतलब ये वाला डिजाइन से मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब 100 लोग देख रहे हैं तो एक क्लिक कर रहा है, ठीक है। और जबकि मेरा जो ये वाला कैंपेन था, इसमें 100 लोग 100 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या हिसाब लगाया, क्या सोचा कि ये दो डिजाइन है, बाकी चीजें तो सेम है, तो मतलब इस डिजाइन से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और इस डिजाइन से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, और मैंने सिर्फ इसको चालू रखा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों चीजों को चेक किया, टेस्ट किया, और दोनों में सिर्फ ये वाला काम किया। तो इसी को हम बोलते हैं AB टेस्टिंग, ठीक है। और AB टेस्टिंग कैसे काम करती है, कैसे बनाते हैं हम कैंपेन, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमने अपनी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो फेसबुक में ना आपको धीरे धीरे ना चीजें एक्सपेरिमेंट ही करनी पड़ेंगी, ठीक। पहले क्या होता था, जैसे आप यहाँ जाएंगे ना, यहाँ पास, तो पहले फेसबुक आपको यहाँ एक ऑप्शन देता था ऑडियंस का, यहाँ पास एक ऑप्शन ऑडियंस आता था, जहाँ पास ये सब चीजें करने की ना जरूरत नहीं पड़ती थी, टेस्ट करने की अलग अलग, आप वहां पास जाते थे, ऑप्शन डालते थे, सारा कुछ अपने आप वो फेसबुक करके देता था। लेकिन उसने अपना वो टूल बंद कर दिया। अब वो कहता है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करो और अपने आप फिगर आउट करो, अपने से सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे करना है, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो ये एक तरीका है, मैंने अंदर सारी चीजें सेम है, बस डिजाइन बदले हैं। तो हमने ये डेटा देखा, ये एनालाइज किया कि ऊपर वाला डिजाइन ज्यादा बेटर काम करता है नीचे वाले डिजाइन से, तो हमने इसको बंद कर दिया। पहले हम दोनों पे पैसा लगा रहे थे, अब हम एक पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। इसका जो पैसा है वो भी हमने इस पे ट्रांसफर कर दिया है, तो अब इस पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है।